दोस्तों आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले अब आईपीएल का रिटेंशन प्रोसेस यहां पर लाइव शुरू हो चुका है। ना सिर्फ रिटेंशन प्रोसेस शुरू हो चुका है बल्कि टीमों के ऑफिशियल अब रिटेन खिलाड़ियों के नाम भी सामने आने लगे। आपको इस वीडियो में मैं सभी टीमों की ऑफिशियल रिटेन लिस्ट बताऊंगा, आपको बताऊंगा कौन सी टीम ने कौन से खिलाड़ियों को रिटेन किया। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप क्रिकेट से जुड़ी कोई भी खबर कोई भी अपडेट मिस ना कर पाए। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मुंबई इंडियंस की, तो मुंबई ने यहां पर पहले रिटेंशन हार्दिक पांड्या को 18 करोड़ में रखा, दूसरे रिटेंशन सूर्या 14 करोड़ में, तीसरे रिटेंशन बुमराह 18 करोड़ में और चौथी रिटेंशन यहां पर रोहित शर्मा 14 करोड़ में। मुंबई की तरफ से अब तक 4 रिटेंशन इन्होंने यहां पर अनाउंस कर दी, एक अनकैप्ड रिटेंशन अब जल्दी मुंबई की टीम अनाउंस करेगी। और ये सब कुछ हमारे टेलीग्राम चैनल पर लाइव हो रहा है। दरअसल आईपीएल का जो रिटेंशन प्रोसेस चल रहा है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर लाइव स्ट्रीम हो रहा है, तो फटाफट आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहां पर आप रिटेंशन को लाइव देख सकते हो। इसके बाद अगर हम बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स की, तो राजस्थान की टीम केवल 3 खिलाड़ी रिटेन करी, जहां पर संजू सैमसन कप्तान को 18 करोड़ में, जयसवाल को 14 करोड़ में और रियान को 11 करोड़ में ये टीम रिटेन ऑफिशियल कर चुकी। केवल 3 रिटेंशन ये टीम रखेगी और 3 रिटेंशन के अलावा 3 आरटीएम कार्ड लेकर ये टीम मेगा ऑक्शन में जाएगी। 3 आरटीएम कार्ड के साथ अब राजस्थान की टीम मेगा ऑक्शन में जाने वाली। इसके बाद हम बात करते हैं गुजरात टाइटंस की, तो गुजरात की टीम यहां पर सबसे पहले रिटेंशन राशिद को 18 करोड़ में रख रही है, दूसरी रिटेंशन गिल कप्तान जो है वो 14 करोड़ में रहेगी, तीसरी रिटेंशन सही सुदर्शन 11 करोड़ में रहेंगे। इसके साथ ही राहुल तेवतिया और शाहरुख खान अनकैप्ड कैटेगरी में 4-4 करोड़ में रिटेन होंगे और 1 आरटीएम इस टीम के पास रहे। टीम की तरफ से बड़ी खबर है कि इस टीम के लिए यहां पर अब इस टीम से मोहम्मद शमी यहां पर मेगा ऑक्शन में जाएंगे, तो कुल मिलाकर ये बड़ी खबर है। इसके बाद हम बात करते हैं लखनऊ की, तो लखनऊ ने केएल राहुल को रिलीज कर दी। इसके साथ ही निकोलस पूरन पहली रिटेंशन 18 करोड़ में, रवि बिश्नोई दूसरी रिटेंशन 14 करोड़ में, महेंद्र यादव तीसरी रिटेंशन 11 करोड़ में, मोहसिन खान और आयुष बदोनी यहां पर 2 अनकैप्ड रिटेंशन है, तो ये कुल मिलाकर 4-4 करोड़ में ये 2 रिटेंशन है, तो लखनऊ की ये रिटेंशन है। इसके अलावा 1 आरटीएम लखनऊ के पास है, तो ये यहां पर लखनऊ की रिटेंशन है। इसके अलावा जो भी अभी रिटेंशन की लाइव प्रक्रिया चल रही है, जो सब कुछ चल रहा है, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर है, आप देख सकते हो। अभी भी रिटेंशन बहुत लंबी चलेगी, तो फटाफट आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स कॉल कर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। अब बात करते हैं हैदराबाद की, तो हैदराबाद की टीम जिन खिलाड़ियों को रिटेन कर रही है, इनमें नाम आता है हेनरिक क्लासन का 23 करोड़ में, इनको रिटेन कर रही है, पैट कमिंस को 18 करोड़ में और तीसरी रिटेंशन अभिषेक 14 करोड़ में, चौथी रिटेंशन के लिए नीतीश कुमार रेड्डी और हेड के साथ ये टीम बातचीत कर रही है। तो अभी यहाँ पर इस टीम की अगली रिटेंशन फाइनलाइज नहीं हुई, एज ऑफ नाउ ये रिटेंशन फाइनलाइज हुई है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कोलकाता की, तो कोलकाता की तरफ से यहां पर रसल 18 करोड़ में रिटेन हुए, नारायण 14 करोड़ में और रिंकू 11 करोड़ में रिटेन हुए। अभी तक कोलकाता ने यही रिटेंशन अनाउंस करी है। अभी तक यहां पर अय्यर और भी प्लेयर्स पर क्लियरिटी नहीं मिली, तो वो सब कुछ हम लाइव टेलीग्राम पर कर रहे हैं। उन खिलाड़ियों पर आपको टेलीग्राम पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जो भी और अपडेट रहेंगे वो आपको टेलीग्राम पर जानने को मिल जाएंगे, तो आप फटाफट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। अब बात करते हैं चेन्नई की, तो चेन्नई की टीम जडेजा को 18 करोड़ में रिटेन कर रही है, पतिराना को 14 करोड़ में, कप्तान गायकवाड़ को 18 करोड़ में और एमएस धोनी को 4 करोड़ में रिटेन करी है। 4 तो इस टीम ने रिटेंशन अनाउंस कर दी, 5वीं रिटेंशन है रिपोर्टेडली या तो कॉनवे या फिर कॉनवे के अलावा रचिन में से कोई एक रख रही है। इसके साथ हो सकता है कि समीर रिजवी इस टीम की अनकैप्ड रिटेंशन रह जाए। इसके बाद हम बात करते हैं आरसीबी की, तो आरसीबी की टीम विराट कोहली को 18 करोड़ में, सिराज को 14 करोड़ में और यश दयाल को 4 करोड़ में रिटेन करी है। नाउ यही 3 रिटेंशन इस टीम ने अनाउंस करी है। अभी और भी इस टीम की तरफ से रिटेंशन आएगी, तो अभी और भी हो सकता है कि कैमरॉन ग्रीन या फिर विल जैक्स एड हो जाए, तो वो टेलीग्राम पर हम अनाउंस कर देंगे। अब तक इन टीमों की ये रिटेंशन नहीं है। इसके अलावा पंजाब आशुतोष और शशांक को 4-4 करोड़ में केवल रिटेन करिए, दोनों अनकैप्ड 4-4 करोड़ में रिटेन होंगे और पंजाब के पास अब 112 करोड़ का पर्स रहेगा, तो 112 करोड़ में पंजाब को मेगा ऑक्शन में शॉपिंग करने का मौका मिलेगा। इसके अलावा अभी यहां पर दिल्ली कैपिटल्स और भी बची हुई टीमों की जो रिटेंशन है वो हम टेलीग्राम पर लाइव कर रहे, तो आप फटाफट डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, वहां पर ऋषभ पंत की रिटेंशन पर भी आपको क्लियरिटी मिल जाएगी, बाकी टीमों के अपडेट्स भी और लाइव स्ट्रीमिंग भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो आप फटाफट डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले और आप कमेंट करके बताइए आपको अब तक कौन सी टीम का सबसे बढ़िया फैसला लगा है, कौन सी टीम का सबसे बेकार फैसला लगा है। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो कर लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।